हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और आज मैं आप लोग को यहाँ पे बेसिकली ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए, और जिसमें उन लोग को मैं science-2 जो उनका सब्जेक्ट है science-2 का, तो उसका कंप्लीट जो हमारा चैप्टर नंबर 4th, 5th और 6th है, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आएंगे वो सारा का सारा MID मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो पिछले साल आ चुके हैं और कौन से इस साल आने के चांसेस हैं, बस उतने ही करके जाना है। उसके अलावा कुछ डायग्राम नहीं करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ओके, तो सारा का सारा जो डायग्राम्स है, कौन कौन सा आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है विजडम वीकेंड स्ट्रेटजी फॉर IIT एंड नीट। मतलब जिन बच्चों को IIT एंड नीट इन फ्यूचर करना है, तो उनके लिए एकदम बहुत ही बेस्ट तरीके से स्ट्रेटजीज पता चलने वाली हैं। क्या करना है, क्यों करना है, इससे क्या होता है, अर्ली स्टार्ट करने से क्या होने वाला है, इन फ्यूचर इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, कब आप एग्जैक्टली पढ़ना शुरू करोगे, तो सारी चीजें आपके लिए शुरू होने वाली हैं। ये बेसिकली सेशन जो होने वाले हैं, मतलब February 6 से स्टार्ट होंगे, 6 बजे से पहला सेशन पहली बात तो रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे पहला सेशन जो होने वाला है इन एजुकेटर्स का होने वाला है, लाइक यहाँ पे अक्षय सर एंड आकाश सर, ओके। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग स्ट्रेटजी सेशन होने वाली हैं, ये बातें आपको यहाँ पे फोकस करनी है। और जो अर्ली स्ट्रेटजीज हैं, मतलब कि IIT एंड JEE के लिए, तो कम्प्लीटली आपको ये February 6 को 6 बजे आपको ये सेशन मिलेगा, तो आपको डेफिनेटली इस सेशन को वॉच करना है, डेफिनेटली वॉच करना है। तो ये पूरा इस वीकेंड आपको कम्प्लीटली ये रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको इनरोल करना है, ये टोटल सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पे क्लिक करके और ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपसे सपोज दैट कोड की डिमांड करते हैं वो लोग, तो यू कैन यूज NIE2021, ओके, ये एज इट इज कोड इस्तेमाल कर लेना और आप ज्वाइन हो जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके माय डियर। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अपने चैप्टर की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इस चैप्टर से ज्यादा तो डायग्राम्स आने के बिल्कुल चांसेस होते नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो 9th में भी था, ये तो बिल्कुल भी नहीं आता। बाकी आपको अगर ये डिस्कस वगैरह करने वाले, अगर ऐसे ही पढ़ना है तो इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ लो। देखो हाँ, आने के चांसेस कहाँ, ये इकोसिस्टम का डायग्राम, मतलब अगर ये आया ना, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट अ डायग्राम। ये अगर आए तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ पे फिल करो, यहाँ पे फिल करो, ये फिलिंग साइट्स जो है, ये आपको ऐसे पूछ सकता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये डायरेक्टली भी कॉपी करके वो लोग दे सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब 2 मिनट का काम है, कर लो इसी वक्त कर लो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट, तो यहाँ पे अर्थक्वेक के आगे आपको फिल करना है, डिफॉरेस्टेशन के आगे फिल करना है, तो ये डायरेक्टली उठा के वो लोग डाल देते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा इसको करके जाना, ठीक है। बाकी जैसे कि ये देखो आपको ऐसा चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे आंसर्स आपको यहाँ पे फिल करने वाले हैं, इस चैप्टर से आते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पुराने जो हमारा चैप्टर्स है और इसके पहले के चैप्टर्स में भी ऐसे ही था, और यही सिमिलर चैप्टर में इसके पहले का जो टॉपिक था, पहले का जो बोर्ड का पेपर आया था, उनमें भी यहाँ से मतलब क्वेश्चंस आ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको करके जाना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये मतलब एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ से भी आते हैं, तो ये डायरेक्टली उठा के भी डाल सकते हैं वो लोग, और वहीं पे आपको फिल करने कह सकते हैं 2 से 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम, इनमें से कोई भी सिम्बॉल वहां पे दे देंगे और आपको इस सिम्बॉल का मीनिंग पूछते हैं, इन सिंबल के नाम पूछते हैं, ये 100% आने के चांसेस है, मैं कह रहा हूं आपको, मतलब छोड़ के मत जाओ, छोड़ के जाओगे तो लॉस में रहोगे। तो ये सारे के सारे सिंबल, इनका मीनिंग क्या है, और देखो एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जो डायग्राम नहीं है फिर भी बता देता हूं आपको, यहाँ पे जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया ना, जैसे IUCN है, IPCC है, तो ये प्लीज याद करके जाना, इनके ना फुल फॉर्म पक्का याद करके जाना, मतलब कि जैसे IUCN है तो इंटरनेशनल यूनियन या फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना। और आगे तो ज्यादा इसमें डायग्राम्स नहीं है, कुत्ते बिल्ली बिल्कुल भी नहीं आने वाले, ठीक है, इतना आपको समझना है और ये चैप्टर होता है खत्म। देखो यहाँ पे एक्सरसाइजें भी देके रखा है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना, जैसे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ के जाना, मैंने सब पहले आपको बता रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ से यही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, और ये प्लेज वगैरह तुम्हारे लिए पढ़ लो यार, ये तो एग्जाम में नहीं आएगा फिर भी पढ़ लो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 5th चैप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इतना आसान मैंने अपने वीडियोस में इसको बना दिया है, बहुत सारे टीचर्स भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप एक बार जाके चेक कर लो अगर आपको बिलीव ना हो तो, ठीक है, एटलीस्ट जाओ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है science-1 science-2 की, तो एक बार जाओ एटलीस्ट चेक इट, ओके, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, देखो यार, तो यहाँ से पिछले बार भी मैंने वही बताया था, ये डायग्राम मत करो,
आने के चांसेस बहुत कम है। बट हाँ, जो स्टीम टर्बाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मतलब सिर्फ अक्खी ये अकेली इतनी डायग्राम है, इसको कर लेना प्लीज, इसको मत छोड़ना, मतलब ये 2 मार्क्स के लिए पक्का टर्बाइन के डायग्राम है ये, ठीक है, तो इसको करके जाना, ठीक है, मतलब छोड़ना मत, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से अगर आप ये मैंने लेक्चर में बताया भी है, ये सारे फ्लो चार्ट जितने भी है ना सब इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट ही तो रियलिटी में आंसर ही लिखना है, ठीक है। हाँ चलो, अब यहां देख लो, इसको एग्जाम में भले ही आपको हार्ड लगता हो लेकिन जो पेपर सेट करता है उसके लिए कुछ हार्ड नहीं है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां से जो ये पूरा टॉपिक है ना कंप्लीटली आपको आ सकता है, ये डायग्राम पूरा आपको पूछ लेंगे बनाने के लिए। तो अगर थर्मल पावर प्लांट के डायग्राम ड्रॉ करने बोले स्ट्रक्चर वगैरह, तो आपको ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइक जनरेटर, कंडेंसर, सारी चीजें, फ्यूल, एयर वगैरह सब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं पहले कह देता हूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा तो 2 मार्क्स को नहीं आएगा, ये सीधा 3 से या 5 मार्क्स को आएगा डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, इतना आपको समझ के चलना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ये सब फ्लो चार्ट आपको करना है, ये फ्लो चार्ट तो मतलब मैंने पहले ही कहा, देखो एग्जाम में पिछली बार ये वाला डायग्राम आया था, मैं बोल रहा हूँ ना, ये डायग्राम 2 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, उसने क्या किया था, मैंने देखो आपको बोलता हूँ ना, डायग्राम बनाने जल्दी बोलते नहीं है, डायग्राम खुद बना के वो लोग दे देते हैं और पूछते हैं कि उस डायग्राम का नाम क्या है, समझा, मतलब न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन अगर ये सिर्फ कोई लिख देता तो उसको 1 मार्क्स मिल जाते पिछले साल, कोई नहीं कर पाया तो उसे नहीं मिला होगा, ठीक है, तो ऐसे ही पूछते हैं। जैसे कि अभी ये डायग्राम बना के दे देंगे और आपको कहेंगे कि इसका नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये आपको बताना पड़ेगा, समझ रहे अच्छे से, तो ये इस तरीके से आपको होता है, तो इसलिए आप एक बार देख के रखोगे तभी ना वहां पे बना पाओगे, तो ये बातें आपको समझनी है, इसलिए पेपर सिंपल बन चुका है। देखो ये भी आ चुका है एग्जाम में, तो ये देखो जो पावर प्लांट है नेचुरल गैस का, तो इसको थोड़ा करके जाना, मे बी यही डायरेक्टली पूछ ले और पूछ ले कि इसका नाम बताओ, तो आपको ये करना पड़ सकता है, बताना पड़ सकता है, या ये डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, लाइक कि नेचुरल गैस में क्या क्या होता है, नेचुरल गैस से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग जनरेट करोगे, ये सब कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से समझ के जाओ, मैंने सब वीडियोज में समझाया है, इसीलिए तो बार बार कहता हूँ कि वीडियोज को देखते रहो। देखो ये ठीक है, बड़े डायग्राम में आएगी भी नहीं भी आएगी, मैं क्यों कह दूं कि आएगी, बट यस ठीक है, करना है तो कर लेना वरना छोड़ दो, ये बड़ी डायग्राम में नहीं आती है कभी भी, इतनी बड़ी डायग्राम, ठीक है। हाँ, आने के चांसेस देखो यहां से है, ये आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं वो लोग, ये वाला आपको ड्रॉ करने, विंड मिल आपको ड्रॉ करने बोल सकते हैं फॉर 2 मार्क्स, ठीक है, तो इतना तुम्हें समझ के रखना है, बाकी तो ये फ्लो चार्ट है, इसको ये वाला फ्लो चार्ट कर लेना, ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, ये जो मतलब अगर दिया हुआ है टर्बाइन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज, तो ये आप थोड़ा सा कैपेसिटीज इनकी पढ़ लेना, ये बॉन्ड लेंथ एंड कैपेसिटीज थोड़ा सा पढ़ लेना किसकी कितनी है, थोड़ा सा समझ लो अच्छे से, बाकी तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। आगे निकलते देखो, ये भी सब कुछ नहीं बनाने है आपको, सिर्फ आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है, देखो यहाँ से डायग्राम आने के चांसेस है, तो सिर्फ इतना भी पूछ सकता है, सिर्फ इतना, ये रिफ्लेक्टर वाला, ये वाला, और या तो फिर ये वाला है, एक ही बात दोनों, मतलब जो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पे कैसे फंक्शन करता है वो बताया है, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान दो कि अगर आएगा तो ये मस्त है, मतलब सिमेटिक थर्मल पावर प्लांट सोलार वाला जो है, थर्मल सोलार पावर प्लांट है एग्जैक्टली, तो सोलार थर्मल पावर प्लांट एग्जाम में आ सकता है फॉर 3 मार्क्स। इतना बड़ा डायग्राम छोटे मोटे थोड़ी आएगा, ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा, तो अगर देंगे तो डेफिनेटली दे देंगे ये वाला, तो बना के जाना, मतलब यहां से डायग्राम ज्यादा आते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये चैप्टर ही डायग्राम वाला चैप्टर है, तो ये बात आपको समझनी है। आप जब एक्सरसाइज पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारे डायग्राम पहले से ही मिलेंगे, ठीक है, तो इन बातों को आपको थोड़ा सा समझ के लेना है, ओके। देखो आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, एक्सप्लेन द डायग्राम विद द डायग्राम स्टेप बाय स्टेप एनर्जी कन्वर्सेशन कन्वर्जेंस, तो थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलार थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि अपना 6वां चैप्टर है और आज का ये लास्ट वाला चैप्टर है, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। देखो अभी तक तो यहाँ से स्टार्टिंग से कुछ आया नहीं, और वैसे भी इस साल आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई हैं, ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो हिस्ट्री वगैरह ये सब तो आई थिंक रिड्यूस है, अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना होगा तो मत पढ़ना, ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट आपको रिड्यूस है, बट आप एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स कटेगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है, इतना समझना है। देखो ये फ्लो चार्ट पढ़ लो, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर ही आपको नहीं आएगा, और मैंने इतना भारी तरीके से आपको पढ़ाया ना ये चैप्टर कि बिना कुछ पढ़े भी आप ना पूरे मार्क्स निकाल सकते हो, ऐसा ट्रिक्स बता के रखा है, वो ट्रिक को बस फॉलो करना पड़ेगा, तो जब वीडियो देखोगे तभी आपको ट्रिक पता चलेगी, वरना आज के टाइम पे आज से 2 से 3 साल से करीबन 30 लाख ऑफ स्टूडेंट्स ना वही एकदम गधे मजूरी वाला काम कर रहे थे, जब से मैंने ट्रिक बता दी तो बहुत सारा एकदम बच्चों को ये चैप्टर इतना आसान पड़ गया ना कि मतलब 2 से 3 घंटे पढ़ के भी पूरा चैप्टर हो जाता है, इतना बड़ा भले चैप्टर है लेकिन छोटा है, बहुत आसान चैप्टर है। तो यहाँ से जो छोटी छोटी डायग्राम से सब कुछ नहीं आती है, और ये चैप्टर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि यार इतनी सारी इसमें डायग्राम है ना, इतने सारे एनिमल्स हैं कि मैं क्या बताऊं तुम लोग को, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो अभी देखो यहां से अभी मैं क्या ही कह दूं कौन सा आएगा, मैं फिर भी आपको बताता हूं। देखो अगर सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है तो आपको ये सारे डायग्राम समझानी पड़ेगी बना के, अगर आपको डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक है तो ये डायग्राम बना के समझानी पड़ेगी, तो ऐसा आपको करना है, आपको करना है ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये जो भी है यहाँ पे यूसिलोमेट सुडोसिलोमेट असिलोमेट सब आपको करके जाना, इतने ही आपको करने हैं ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आपको ये डायग्राम जितने भी है ना, जितने जैसे कि फाइलम पॉरीफेरा की सारा स्पॉन्जिला है, देन उसके बाद साइकॉन स्पॉन्जी है, देन उसके बाद आपका यहाँ पे जो हाइड्रा दिया हुआ, तो ये डायग्राम्स आपको देख के जानी पड़ेगी, मतलब मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता ठीक है। क्योंकि कोई भी आ जाएगी, मैं कह दूं चलो लिवर फ्लक का डायग्राम पूछ लेगा, नहीं ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कि वो प्लैटीहेलमिंथस को समझाओ विद अ सिंगल एग्जांपल बाय ड्रॉइंग अ सिंगल डायग्राम, तब तो आपको एक बताना ही पड़ेगा कि प्लैटीहेलमिंथस में या तो आप प्लेनेरिया समझा दो, अगर आप प्लेनेरिया समझाते हो तो आपका चैप्टर नंबर 3 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक डायग्राम हो जाएगा, रीजनरेशन वाले का प्लेनेरिया है ना, वहां से भी हो जाएगा, और या तो फिर लीवर फ्लक टैप वर्म किसको भी आपको एक तो बनाना ही पड़ेगा। अब मैं क्या कह दूं किसको आप बनाओगे, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बताऊं ना तो आपको ये अर्थवर्म करके जाना है, और इसके अलावा आपको ये कॉकरोच करके जाना है ठीक है, जो कि अपना ऑर्थ्रोपोडा है, इतना आपको कर लेना है, मतलब अगर कुछ नहीं से अच्छा तो ये कर लो ठीक है। चलो बाकी मॉल इसका भी कर लो, और हाँ दो डायग्राम स्टार फिश की डायग्राम थोड़ा सा देख लेना, और जो यहाँ पे हमारा हेमिकोडेटा है इसमें ये बेलेनोग्लोसेस और सेकलोग्लोसेस को छोड़ के मत जाना, मतलब ये डायग्राम कर लो इसमें प्रोबोसिस कुलार ट्रंक ये छोड़ के मत जाना, ये तीनों नाम के साथ याद कर लो, बाकी ठीक है डोलियोलम हार्डमेनिया जो भी दुनिया भर के देखे रखे थोड़ा देख लो छोड़ लो जो भी है, बाकी ये एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा थोड़ा सा इसको ऊपर ध्यान दे लो ठीक है, सम कॉर्डेट जॉलेस जो होते हैं थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझ लो ठीक है, जो नेथोस्टोमेटा एंड एग्नेथा जो भी है इसको थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लो जो कि इंपॉर्टेंट है ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है। बाकी आपके पास साइक्लोस्टोमेटा है, ये जो पीसेस है ये सब डायग्राम आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, आपको ये बना बनाया डायग्राम देंगे, इनमें आपको नेमिंग करनी होगी, मैं आपको बोल रहा हूं ना इनमें ये नेमिंग करनी होगी, सोचो आपको बनाना नहीं है सिर्फ आपको नेमिंग करनी है, इसे डॉर्सल फिन है ये लैटरल फिन है ये आईज है, इतना आसान कर दिया आप लोग के लिए, इतना तो कर ही सकते हो, नहीं तो पिछले के टाइम पे डायग्राम बनानी पड़ती थी। अब देखो यहाँ पे टिम्पेनम सॉफ्ट स्किन माउथ ये नेयर्स ये सब आपको ना बना के देने पड़ेंगे, मतलब ये डायग्राम पहले से मेंढक बना के आपको पहले से फ्रॉग देगा, लेकिन उसके ऊपर के सारे जो टिम्पेनम माउथ ट्रंक कहाँ कहाँ क्या अवेलेबल है लोकेशन आपको खुद देना पड़ेगा, तो आर्ट बोलेगा तो रफ स्किन सब आपको खुद बतानी पड़ेगी, जैसे कि अगर ये छिपकली बना के देगा तो आपको यहाँ पे टेल स्केली स्किन आईज ये सब आपको खुद वहां पे ड्रॉ मतलब बनाना पड़ेगा, मतलब कि देखो ये डायग्राम ऐसी कैसी आएगी बस आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये हमारी मतलब स्केली स्किन है ये हमारी आईज है ये टेल है ये लेग है ये सब आपको खुद से बताना पड़ेगा। पिछले साल के पेपर में ये जो पीजियन वाला था ये वाला आया था, मतलब कि यहाँ के बी किसे कहते हैं हेड इसे कहते हैं आईज है ये नेक है ये क्लॉज है ये सब पूछा था, ऐसे बैट का भी पूछ सकता है, तो यहाँ से सारे जितने भी यहाँ पे जैसे बैट है पीजियन है ये फिर वॉल लिजार्ड है और उसके बाद आपको फ्रॉग एंड टॉड है ये सब आपको करके जाना है, मतलब स्कॉलियोडॉन जो डॉग फिश है ये आपको करके जाना है इतना ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग कर लो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए ये ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है आप लोग के लिए, तो इतने से आप लोग डायग्राम सारी चीजें कर लेनी है। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे अगले वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में, इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपका सब कवर हो जाएगा, डोंट वरी टेंशन की बिल्कुल भी बात आपको लेनी नहीं है, सारी चीजें हो जाएंगी। सो अभी हम लोग निकलते हैं और मिलेंगे ऐसे ही इसी तरीके के अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।